हाथ जोड़ के सभी देशवासी से, समी समाज के लोगों से और भाई और बहनों से सबसे निवेदन है कि आपके सामने हम इंद्रदेव बिंद कुछ समाज को कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन करिए। सर, हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि जब हम लोगों पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, उन्हें अपने से बढ़कर मानने लगते हैं, तो वो हमें बाद में चलकर धोखा क्यों देते हैं सर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी पे, सबसे बड़ी बात है कि किसी पे भरोसा 100% मत करिए। न करने का कारण सबसे बड़ी यह है कि अपना सिग्नल, दूसरे का सिग्नल अलग अलग होता है, जो कि भरोसा करना सबसे बेवकूफ़ी होता है। और दूसरे पे इसलिए नहीं भरोसा करना चाहिए कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उससे क्या लेना देना है। और क्या होता है कि वो आपके बातें को पूरा दिल से समझ नहीं पाता है कि आप मेरे लिए क्या कह रहे हैं, कि आप सीरियस होके कह रहे हैं कि नहीं सीरियस होके कह रहे हैं। उसलिए वो आपके बातों को वैल्यू नहीं रखता है और खुद पे वही बात पड़ती है, या खुद पे कोई कार्य किया जाता है, या खुद पे कोई मुसीबत पड़ती है, तो उस पर क्या होता है, लोगों को डायरेक्ट दिखाई देता है। और आपके मोशन को, आपके कार्य को, या आपके भावना को वो सामने वाला बंदा क्या है समझ नहीं पाता है। न समझने के कारण वो क्या करता है कि किसी कार्य को करने से पहले वो लापरवाही बरतता है। और जब खुद भी अगर वही बात रहे या कोई मुसीबत पड़े तो 100% कार्य करने में मजबूत होता है। भरोसा इसलिए नहीं करना चाहिए कि क्योंकि वो अपना नहीं समझता है, और जो कि करना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी बात कोई कहता है तो उससे बड़ी बात है कि वो कहता है तो बंदा क्यों कहता है, उसका मतलब भरोसा है। वो सोचता है कि हाँ कहे हैं तो वो 100% समझ के हमारा कार्य करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो अपना समय सोचता है कि हम किसी के लिए क्यों गवाएं, और जिसके लिए वो अपना सारी वक्त समय बर्बाद कर देगा, लेकिन फिर भी सामने वाला को मतलब ध्यान नहीं देगा, इसलिए वो भरोसा नहीं करने लायक होता है या भरोसा नहीं करता है और अपने कार्य को कुछ नहीं समझता है और ये चुपचाप पड़े रहता है। इसलिए भरोसा नहीं करना चाहिए हमेशा, कि वो अपना मतलब रहता है और दूसरे का मतलब बात नहीं समझता है, इसलिए भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए भरोसा लोग तोड़ देते हैं क्योंकि वो अपने पे 100% भरोसा करना चाहते हैं, दूसरे पर इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि वो बंदा अगर कुछ कह रहा है, सबको क्या है, एक दूसरे के लेन देन, मतलब क्या है, एक दूसरे के लेन देन में उसको खुशी मिलती है कि हम, वो हमें कहा है तो हमें क्या देगा, कुछ नहीं देगा। अब भरोसा एक ऐसा बंधन है जो 0.0, मतलब क्या है कि हर कार्य करने के लिए कि कुछ भी उसमें कोई स्वार्थ ना हो। भरोसा एक ऐसा बंधन है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो सामने वाला कुछ न देता है न लेता है भरोसा के लिए, तो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा लगातार वो बंधन से उसको वैल्यू नहीं समझ में आती है, जो कि वो वैल्यू जब कोई छोटा सा बच्चा रहता है तो उस बच्चे को पता रहता है, क्योंकि उसको न कोई बुरा लगता है न कोई अच्छा लगता है, न कोई बुरा लगता है न कोई अच्छा लगता है, जिसके कारण उसका 100% भरोसा होता है। जैसे कि मान लो, एक बात, भरोसा किस पे होता है, जैसे मान लो छोटा सा बच्चा है, उसके माँ पे 100% भरोसा रहता है, क्योंकि वो जानता है कि माँ मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और उसीलिए बच्चा हमेशा, छोटे बच्चे अपनी माँ पे पूरा भरोसा करते हैं। और उसमें सबसे बड़ी ये बात होती है कि वो अपना निस्वार्थ, बिना स्वार्थ का कोई कार्य करती है माता अपने बच्चे के साथ, इसीलिए उसमें भरोसा लोग नहीं करते हैं और भरोसे को तोड़ देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू जानकारी देने के लिए, थैंक यू सर। हमारा एक और क्वेश्चन है सर। क्या? हम ये कहना चाहेंगे कि कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं
या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे भरोसे को कभी तोड़ते नहीं है और हम उन लोगों को अपना मानकर चलते हैं। जैसे मैं एक सच्चा दोस्त हुआ, दोस्ती एक ऐसी चीज है सर कि उसमें लोग धोखे भी देते हैं और साथ साथ मिलकर चलते भी हैं। लेकिन सर कुछ दोस्त ऐसे क्यों होते हैं कि जो जीने संग जीते भी हैं और संग मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं? सर सबसे बड़ी बात एक बार ध्यान रखिए, सबसे बड़ी बात उसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये होता है कि उसमें निस्वार्थ बिना स्वार्थ का जो बंधन चलता है उसमें कहीं तक लोग अपने को लेकर जाने के लिए तैयार होते हैं। और जहाँ उस बंधन में या दोस्ती में स्वार्थ छिप जाता है, स्वार्थ छिपने के कारण क्या होता है, वो हमेशा एक दूसरे के मतलब तुलना में लगे रहते हैं, क्योंकि तुलना करने में वो ये समझते हैं कि अगर हम जा रहे हैं उसके साथ तो मेरे लिए वो क्या दे सकता है। और जहाँ निस्वार्थ होता है वो क्या है, निस्वार्थ जहाँ होता है उसके लिए हमेशा निस्वार्थ में हमेशा वो क्या है, न कुछ लेना है न देना है, और अंदर की आत्मा उसको कहती है कि चलो मेरे साथ है तो उसके साथ रहना है। हमेशा वो मेरे साथ अगर खून बहाने के लिए तैयार है तो हमको उसको उसके पसीना बहाने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए तैयार रहना चाहिए कि ये दुनिया दुनिया में सबसे पहले क्या है, दुनिया में आज की डेट में लोग बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, और जहाँ समझदारी आ जाती है तो लोग क्या करते हैं, अब हमेशा तुलना करने लगते हैं कि अगर हम उसके लिए कर रहे हैं या उसके लिए जा रहे हैं तो मेरे लिए क्या कर सकता है। अगर वो कैटेगरी से मिलती जुलती अगर उसकी दोस्ती है तो चलेगी, अगर उसी की उसकी दोस्ती हमेशा बड़ी और छोटी है मान लो, तो अगर स्वार्थ जहाँ आ गया तो हमेशा तुलना करेगा कि मान लो कि आज हम उसके लिए ये किए तो कल वो मेरे लिए ये करेगा। लमसम हमेशा कोई भी कार्य करो तो बिना स्वार्थ का करो, किसी को कहीं पे हेल्प करो तो बिना स्वार्थ का हेल्प करो, ये मत देखकर मतलब हेल्प करो कि हम उसका हेल्प करें तो मेरा हेल्प करेगा। इससे ये फायदा होता है कि सबसे बड़ी बात है कि अगर बिना स्वार्थ का कार्य करते हो या किसी के यहाँ जाते हो तो 100% उसका ये रिजल्ट मिलता है कि तुम्हारा दिल हमेशा खुश रहेगा, 100% खुश रहेगा बिना स्वार्थ करते हो। 100% खुश रहने से ये फायदा है कि कोई भी कार्य करोगे तो बिना निश्चिंत होकर करोगे, जिसमें कि कोई चिंता नहीं रहेगी, कोई चिंता नहीं रहेगी, जो भी कार्य करोगे 100% मन लगा करोगे, और 100% मन लगाने से करने से यही फायदा होगा कि हमेशा कोई कार्य करोगे तो पूरा मन से करोगे। और ठीक है, इसके लिए इतना ही, और क्या कहना चाह रहे हैं सर? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे देश में लॉकडाउन का माहौल है इस समय और कुछ लोग इसका उल्लंघन कर रहे हैं, तो क्या हमारे देश में भी लॉकडाउन की वजह को लेकर और जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो क्या हमारे देश में भी इटली और ईरान जैसे हालात हो सकते हैं सर? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एकदम जाहिर सी बात है कि इटली और ईरान की स्थिति हो सकती है, चाइना की स्थिति हो सकती है। हाथ जोड़ के सबसे यही देशवासियों से पूरा निवेदन करेंगे कि आप लोग इस बात को 100% अपने अंदर लेकर अपने समझ कर कि वहाँ पे दूसरे की नहीं, सबसे बड़ी बात है हाथ जोड़ के ये कहने का उद्देश्य है कि सबसे बड़ी बात अपने में समझिए, ये नहीं कि इटली में हुआ और चाइना में हुआ और ईरान में हुआ तो मेरे यहाँ नहीं हो सकता है। अगर कोई वजह है तभी पूरी देश की जनता को लॉकडाउन किया गया, पूरा घर को लॉकडाउन किया गया, पूरा राज्य को लॉकडाउन किया गया है और पूरा जिले को लॉकडाउन किया गया। अगर उसको भी 100% भरोसा के साथ आप अगर इस पे नहीं ध्यान देते हैं तो जाहिर सी बात है कि इटली और ईरान और चाइना की स्थिति हो सकती है। हम यही कहेंगे आप लोगों से कि देखिए हमेशा ध्यान रखिए, अपने को सुरक्षित रखिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, अपने समाज को सुरक्षित रखिए, अपने दोस्त को सुरक्षित रखिए, अपने रिश्तेदार को सुरक्षित रखिए। इससे कोई बड़ा व्यवस्था है नहीं पूरा इंडिया में चाहे पूरे विश्व में, विश्व पूरा प्रधान है इस मामले को लेके, और कुछ भी करने के लिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि हमको किसी से कितना 2 मीटर की दूरी पर रहना ही रहना है। 2 मीटर की दूरी पर रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, कोई भी वस्तु छूए उससे पहले ये ध्यान रखिए कि हमको छूने से पहले अगर उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो कोई भी सामान आता है तो दूर से आता है, कोई भी लेकर आएगा तो उसमें
उसका लक्षण हो सकता है, उसका कोरोना का वायरस हो सकता है, जिससे हमको हमेशा ध्यान रखना है और कुछ भी करने से पहले उसमें 100% अपना ध्यान ये रखिए कि हमको किसी के पास नहीं जाना है, किसी के पास नहीं आना है। और कभी भी कार्य करिए तो जहाँ से जहाँ बने अकेले कार्य करिए, और कुछ भी समझ में आता है तो उसको समझ के करिए। और सबसे बड़ी बात हमारी अपनी सोच है कि उसका जो वायरस है बहुत खतरनाक है, हर बातों को समझ सोच के कुछ कार्य करिए। ठीक है सर, जब हम हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो हमने एक कंपनी ज्वाइन की, जुड़ो जुड़ो कंपनी, और उन लोगों ने हमको इस कदर अपने आप में खोने के लिए कह दिया जिससे हम हाई स्कूल की परीक्षा भी दे पाए तो हमें शायद ही उम्मीद है कि हम पास हो पाए। और देखिए, हम इधर से पढ़ाई से भी गए और उधर हमें कंपनी में भी सक्सेस ही नहीं मिली। तो सर, हमें कोई उपाय बताइए कि हम आगे चलकर अपनी लाइफ सुधार सकें। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो फर्स्ट स्टेज होता है जीवन का हाई स्कूल, उसके अनुसार पहले क्या करना है, अपने को 100% कंट्रोल रख के हाई स्कूल की परीक्षा में, हाई स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। और कुछ भी कार्य करने से पहले उसमें ध्यान देना चाहिए कि दुनिया किधर जा रही किधर नहीं, उसमें हाई स्कूल ध्यान देना है। और आई जूडो जो वाली कंपनी की बात, तो जूडो जो वाली कंपनी कहने के लिए तो सब कुछ है कि भैया आप राजी बन जाओगे, रातों रात बन जाओगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस यही है कि उसमें हजार लोग, करोड़ लोगों में एक लोग बनते हैं, तो ये नहीं जरूरी है आपकी हजार लोगों में, करोड़ लोगों में एक लोग आप ही हो। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि कभी भी ध्यान दीजिए कि अगर कोई भी बंदा ये कह रहा है कि रातों रात आप लखपति करोड़पति बन जाएंगे, तो उसको हमेशा इग्नोर करिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जो बंदा रातों दिन मेहनत करके 100% मन लगा के कोई कार्य करता है, तो उसमें बताइए, वो अगर बंदा कुछ मेहनत करके नहीं कर पाता है तो आप बताइए, किसी को दुख दे के, किसी को जोड़ के, किसी से पैसा ले के कुछ कार्य करेंगे तो आप बताइए कैसे मतलब आगे पहुँच सकते हैं। और प्रबिलिटी इसमें क्या है, सबसे बड़ी कम होती है प्रबिलिटी, क्योंकि दूर कंपनी से ये होता है कि प्रबिलिटी इसलिए कम होती है कि हजार लोगों में एक लोग सफल होते हैं। क्योंकि ये जरूर नहीं है कि मतलब जो पीछे वाला जुड़ा है बंदा, वो भी मान लीजिए आप स्टार बन गए उसमें, तो ये तो जाहिर सी बात है जो स्टार बन जाएगा उसको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर उसको सोचना है, समझना है, तो कभी भी जुड़ो जुड़ा कंपनी की तरफ मत जाइए, हम यही कहेंगे। और रही बात कि अगर जो भी कार्य कर रहे हैं उसको मन से कर